नमस्कार, बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। देखिए, आज बजट पेश हो गया है और बजट को लेकर ही हमारा स्पेशल सेगमेंट है। आपको बता दें, देखिए, मोहन सरकार का यह पहला पूर्ण बजट था जो पेश हो गया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पेश किया है यह बजट। 3,63,000 करोड़ का यह बजट रहा, जिसमें बजट में कोई नया कर आम जनता पर नहीं लगाया गया है। देखिए, 2,61,644 का कुल राजस्व व्यय में बताया गया। बजट में 16% से अधिक की बढ़ोतरी बताई गई है। किसान की आमदनी बढ़ाने पर जोर, किसानों को 0% ब्याज पर लोन। पुलिस विभाग में 7500 भर्तियां होंगी, ये अच्छी बात है। और सरकारी कर्मचारियों को सौगात देने की भी इसमें प्रावधान है। तो देखिए, अलग अलग चीजें हैं जिसको लेकर इससे पहले भी आपने देखा था, हमारे जो वरिष्ठ हैं उन्होंने चर्चा भी की थी, और इसी को लेकर अब आम जनता का इस पर क्या कहना है, आम जनता ने इस बजट को कैसे देखा है, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, वहां से मेरे सहयोगी कपिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे हम और भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो भी आम जनता से पूछें कि इस बजट को लेकर आम जनता का क्या कहना है। कपिल, आप क्या कुछ आप देख रहे हैं, आम जनता का इस पर क्या रुख है, उनसे बातचीत कीजिए, हमारे दर्शकों को बताइए कि आम जनता इस पर क्या सोच रही है। गुरुपारू, मोहन सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट जो है पेश कर दिया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश किया है, और कैसा बजट है प्रदेश का, अपना पहला पूर्ण बजट जो है आज पेश कर दिया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश किया है, और कैसा बजट है प्रदेश का, इस बजट को लेकर क्या राजशुमारी है, प्रतिक्रिया लेने की कोशिश हम करेंगे। इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे पीछे, हम न्यू मार्केट में मौजूद हैं, और तमाम प्रकार के जो लोग हैं यहाँ पर, व्यापारी वर्ग, युवा वर्ग, महिलाएं वर्ग जो हमारे साथ नजर आ रहे हैं, और जानते हैं, कहते हैं ना कि बजट का जो है आकलन जो है गृहणियां करती हैं, गृह मंत्रालय से बजट शुरू होता है वहीं खत्म होता है। तो कुछ गृहणियां हमारे साथ खड़ी हुई हैं, उनसे रुख करेंगे। मैडम, कैसे दिखती है मोहन सरकार का आज पहला पूर्ण बजट आ गया है, कैसे दिखती है बजट को? नहीं, मोहन सरकार की तो बहुत अच्छी बजट जो प्रतिक्रिया दी है बहुत अच्छी दी है, लेकिन जनरल वालों के लिए कोई जगह नहीं दी, क्योंकि हम जनरल वाले हमेशा मात खाते हैं। तो उनसे सरकार से निवेदन है, मोदी सरकार से, और ये कि जनरल वालों के लिए कुछ किया जाए। और एक दूसरा क्वेश्चन है कि महिलाओं, जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं जो घर से निकाली जाती हैं बच्चों के द्वारा, उनके लिए कुछ किया जाए, उनके लिए किया, बच्चों के लिए किया जाए। आप कैसे दिखते हैं बजट को, मध्य प्रदेश के बजट? बजट बढ़िया है सर, अब हमको ज्यादा नॉलेज नहीं है बजट के बारे में। जो पहले टैक्स थे वैसे ही टैक्स थे, कोई बढ़ा ना घटा है, तो सही है ना सर, जो बढ़ा है ना घटा है, तो बढ़ा नहीं तो सही है वो। आप कैसे देखते हैं बजट को, मध्य प्रदेश सरकार का मोहन बजट, सरकार का पूर्ण बजट पेश हुआ है आज, कैसे देखते हैं बजट को? बहुत बढ़िया है बजट एकदम। थोड़ा कर्ज ज्यादा ले लिया है ना, थोड़ी कमाई बढ़ाएं और फिर खर्च करें। कर्ज लेके खर्चा करना कोई अच्छी चीज नहीं है, और फ्रीबी पे थोड़ा लगाम लगाएं। अगर सब चीज मुफ्त में बांटते रहेंगे तो दिवालिया होने में देर नहीं लगेगी। तो सुझाव कुछ देना चाहेंगे सरकार के मंत्रियों को, वित्त मंत्री को? जी, श्रीलंका नहीं बनना है हमें, कर्मठ बनना है, और हम अपने देश में लोग कर्मयोगी बनाएं, ना कि मुफ्तखोर बनाएं। धन्यवाद। मुफ्तखोरी ज्यादा दिन नहीं चल सकती, हमें अपने लोगों को उद्यमी बनाना है, मेहनती बनाना है। मुफ्त में रेवड़ी बांटने से लोकप्रियता मिल सकती है, लेकिन प्रदेश हमारा रसातल में चला जाएगा। आप क्या कहेंगे भैया बजट को लेकर, क्या कहेंगे? बजट अच्छा है। मेरा एक सुझाव है सरकार के लिए कि सभी रोटी खाते हैं जो कि किसान पैदा करता है, किसान को मजदूर की दिक्कत जा रही है। मजदूर क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि फ्री की रेवड़ी बढ़ रही है। किसान को दो आप अलग तरीके से दो, किसान के लिए मजदूर चाहिए। यदि किसान पैदा करेगा तो हर व्यक्ति को भोजन मिलेगा, इसलिए उनको मजदूर के लिए फ्री की रेवड़ी बांटना बंद करें, वो मेहनत करके लेंगे अच्छा है। उसमें एक भारतीय किसान संघ ने एक प्रपोजल दिया था, उसको मानना चाहिए सरकार को, कि जिसका आधा पैसा किसान देगा मजदूरी का, और आधा पैसा उस सरकार उसको रोजगार सहायक के माध्यम से उसको देगी, तो उससे खेती के लिए मजदूर बढ़ेंगे और किसान खेती अच्छे से कर पाएगा। नहीं तो एक दिन ये होगा कि लोग दाने दाने के लिए तरस जाएंगे। बिल्कुल, बड़ा सवाल, कैसे दिखती मैडम बजट को? बजट बहुत अच्छा है, पर अभी क्या है, पिछले बार भी यही हुआ था कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, और आप सैलरी तो जरूर बढ़ा रहे हैं लेकिन महंगाई पे आपका अंकुश नहीं है, एक बात यह है। और दूसरी बात यह है कि आपको शिक्षा के लिए जो आप नए नए कॉलेजेस खोल रहे हैं, इतनी सारी सुविधाएं दे जरूर रहे हैं, पर उनकी जो मूलभूत जो शिक्षा है उस पर जोर नहीं दिया जा रहा है। योग्यता को बढ़ाएं, और जो मुफ्त का जो बांट रहे हैं इसके कारण बच्चों में कर्मठता कम आ रही है, तो उसके लिए योग्यता को बढ़ाएं। मैडम क्या कहेंगी बजट? बस यही कहते हैं हम, वैकेंसी निकालें और बेरोजगारों को रोजगार मिले।
आजकल बिल्कुल बच्चे ऐसे भटक रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। थैंक यू मैडम, आप क्या कहेंगी? मैं तो ये कहूंगी कि बजट तो हर साल आते हैं, जैसे कई बजट आते हैं लिखा पढ़ी में खत्म हो जाते हैं, आम पब्लिक को क्या मिल रहा है जिसमें जनरल या एजुकेटेड बच्चा चार चार छः छः सात बेरोजगार घूम रहा है और उसको एक इन्फीरियरिटी आ रही है, क्योंकि जितना वो एजुकेटेड जितनी मेहनत कर रहा है उतना आप कुछ कर नहीं पा रहे। अगर कोई वैकेंसी निकाल भी रहे हैं ना तो फिर उसमें करप्शन, फिर स्टे पटवारी निकाली आपने, इतने दिन नाटक हुआ, ये पकड़ा वो पकड़ा, अंत में क्या हुआ, आपने वही वैकेंसी दे दी। एजुकेटेड बच्चा कहाँ जा रहा है? अगर वो जनरल है तो ये मानी कि वो देश छोड़ने को मजबूर है। हमारा बच्चा अगर फॉरेन जाके सेटल हो रहा है तो आप लोग कह नहीं सकते कि क्यों जा रहे हैं। बहुत एजुकेटेड है हमारे बच्चे, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन सरकार इतनी करप्ट है, कोई भी सरकार हो, मैं किसी एक सरकार के लिए नहीं बोल रही, कितना गजब करप्शन है एक वैकेंसी पे कि कुछ बोल नहीं सकते। हमारे बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, उसकी सरकार जिम्मेदार है। नए बजट में 7500 पुलिस वैकेंसी की बात कही है। इतनी वैकेंसी तो हमेशा निकालते हैं, कब भर्ती होती, करप्शन किसकी होती? आप एजुकेटेड लोगों को करते हैं भर्ती? आप उन बच्चों को दोबारा एग्जाम लो जिनने एग्जाम निकाला है, वो हिंदी लिख पाए तो भी ये बहुत बड़ी बात है। अब वो पेपर दोबारा घर आके करवा लीजिए, उन्हें कुछ नहीं पता, सब कुछ बिक जाता है, आप देख नहीं रहे, नीट बिका नहीं है। जब एक बच्चा जब छोटा पैदा होता तो एक सपना होता हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर ऐसा बनता है जैसा आप बना रहे हैं, सबसे बड़ा एग्जाम है नीट, डॉक्टर बनता है, एक अरमान होता है। करप्शन मिटाइए, चाहे मोदी जी हो, योगी जी हो या आपके एमपी की गवर्नमेंट हो, करप्शन पे काम करिए। अगर बच्चे को मेहनत के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा तो देश कभी प्रोग्रेस नहीं करेगा। आप कितना ही प्रोपोगंडा कर ले, मंच पे भाषण देने से कोई सरकार नहीं चलेगी। अगर हमारा बच्चा अगर डिप्रेशन में आया है ना, वो देश छोड़ देगा। ये आप क्या सब SC ST अनपढ़ लोग बचेंगे, फिर अनपढ़ ही बच्चे जो आप बोल रहे हैं ना कि धर्म गुरु, काय का धर्म गुरु, करप्शन गुरु, करप्शन गुरु बन रहा है देश। देश में करप्शन कम करिए, करप्शन खत्म तो खैर कोई नहीं कर पाएगा, थोड़ा सा तो करिए भाई, शुरुआत तो करिए। एक मंत्री हटा देते दूसरा ले आते, दूसरा मुख्यमंत्री ले तीसरा ले आते हो, लेकिन काम तो करप्शन पे ही है। कोई ये चैलेंज करे कि हम करप्शन नहीं करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, करप्शन बड़ा सवाल लगा रहे, करप्शन है, करप्शन को लेकर तमाम सवाल। क्या कहेंगे भैया, बजट पेश हुआ है मध्य सरकार ने, क्या कहेंगे आप? इसके बारे में पूरा मालूम नहीं है मुझे। फिर भी क्या लगता है आपको, बजट कोई टैक्स नहीं बढ़े हैं? देखिए क्या है कि हमारे मध्य प्रदेश में जितनी बेरोजगारी है उस बेरोजगारी पर सरकार किसी प्रकार से कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसमें हमारे हम लोग जो है त्राह त्राह, और हमारे यहाँ मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में जो भी कंपनियाँ खोली हैं कोयले खदान के लिए, उसमें स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, जिसका माने जिसके बारे में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आए हुए हैं, माने उनसे अपना आवेदन निवेदन करेंगे और उनसे मुलाकात करने के प्रयास में हम लोग हैं। शायद हो सकता है 5 बजे के बाद मुलाकात हो जाए तो ठीक है। चलिए चाचा, कैसे दिखते हैं बजट को? मध्य प्रदेश सरकार का, मोहन सरकार का पहला पूर्ण बजट आया है आज। देखिए सर, हम लोग बजट के बारे में तो कुछ नहीं कह पाएंगे, लेकिन जो हम लोगों की समस्या है, जो अभी हमारे भाई बताए, हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिलने के वास्ते हम लोग आए हुए हैं, सिंगरौली जिले से हम लोग आए हुए हैं। देखिए आशा करते हैं मुलाकात होगी, अब देखिए क्या करते हैं वो इसके आगे। मुलाकात करने आए हैं, उम्मीद है कि बहुत कुछ हो सकता है, और भी लोग मजून से बात कर। तो देखिए आम जो जनता है, जो महिलाएं हैं, वो अपनी बात रख रही हैं। महिलाएं जाहिर सी बात है वो अपने बच्चों के लिए चिंतित हैं, जो एजुकेटेड उनके बड़ा है, जो पुराने टैक्स रसी है। कैसे देखिए, पता नहीं भैया मुझे। ठीक है, कपिल हमारे साथ बने हुए थे, हमारे सहयोगी वो भोपाल से हमें लोगों के द्वारा जो कहा जा रहा है वो हम तक पहुंचा रहे थे, और बाकी भी लोग हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं। कपिल बने रहिए आप, हम लौटेंगे आपके पास। इंदौर से हमारे सहयोगी योगेश जुड़ गए हैं, सोमनाथ जबलपुर से जुड़े हुए हैं, ओम हमारे साथ शुजालपुर से बने हुए हैं। इंदौर आर्थिक राजधानी, यहाँ पर आम जनता में बजट को लेकर किस तरह का विचार है, किस तरह का सोचना है, क्योंकि कई सारी बातें हैं जैसे कि महंगाई है, बेरोजगारी, इसको लेकर आम जनमानस का अपना विचार है, लेकिन कई सारी चीजें हैं जिसमें पुलिस की भर्तियां, मेडिकल कॉलेज के खोलने की बात आ रही है, उसके अलावा जो शिक्षक है उनकी भर्तियों के बारे में बताया जा रहा है। योगेश अरुण, देखिए बजट जो आज आया, हमने इसको देखा है, समझा है, और आम आदमी इस बजट को समझने की थोड़ा सा समय चाहिए, क्या बजट एक्चुअल में आखिर में हुआ क्या है। इस बार जो है युवाओं पे बहुत फोकस किया गया, सरकार ने नारी बहनाओं पे फोकस किया, इसके अलावा ऊर्जा के क्षेत्र में भी सरकार ने कुछ अच्छी राशि दी है, सड़कों के जाल, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया है, महिलाओं के लिए विशेष जो स्कीम चला रही सरकार, जिसे लाडली बहना योजना बंद हो जाएगी, लेकिन लाडली बहना योजना चलने से कहीं ना कहीं इंदौर की महिलाओं को राहत है। और क्या है आखिर बजट, और सरकार से किस तरह का बजट चाहते हैं, ये हम आम आदमी से, महिलाओं से,
युवाओं से जानने का प्रयास करेगी कि आखिर में बजट में वो क्या चाहते हैं, किस तरह का बजट आया। आपको पता है आज मध्यप्रदेश सरकार का आम बजट आया है और जो महत्वपूर्ण चीज होती है वो थी टैक्सेस। इस बार कोई नया टैक्स सरकार ने लगाया नहीं, कोई बहुत टैक्स नहीं यहाँ शुरू किया है, तो इस कारण से राहत वाली बात है। कैसे देखते हैं आप इस बार के बजट को और क्या चाहते हैं सरकार से? हम गरीब व्यक्ति हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये चीजें की खाना वगैरह सब सस्ता हो और बच्चों को पढ़ाना मिल पाते। हम पढ़े लिखे नहीं, हमारे सरकार तो बच्चों के युवाओं के लिए और स्कूल में जो बच्चों की फीस तो सरकार कोई तरह से मदद भी करती है, तो क्या लगता है अभी क्यों आप महंगी शिक्षा हो गई? हम लोगों को हमारे बच्चों को किसी चीज का फायदा नहीं मिलता है सरकार से। आपको लगता है कि आरक्षण के कारण से आप लोगों को वो लाई नहीं पाता? ग्रह घर की बात करें तो घर में जो महंगाई इस बार कुछ विशेष महंगाई नहीं बढ़ी है, तो घर में अभी की स्थिति में क्या किस तरह का आपका राशन और जो खर्चे घर के चलते किस तरह से चलते, क्या चाहते सरकार से आपके? भेड़ दे भेड़िया योगेश लौटेंगे हम आपके पास। तो देखिए जो खासतौर पर सबसे पहले इस बजट को समझने की आवश्यकता है, आम जनता से समझे, और जिसमें देखिए जैसा कि अभी योगेश भी जिक्र कर रहे थे, लाडली लक्ष्मी योजना, उज्ज्वला योजना, लाडली बहना योजना जो मास्टर स्ट्रोक साबित हुई थी, हालांकि उसको लेकर बहुत पॉलिटिक्स भी हुई थी कि आगे चलेगी नहीं चलेगी, लेकिन आप पूर्ण बजट जिसमें प्रावधान है उसके लिए ITI कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस। सोमनाथ हमारे साथ जबलपुर से जुड़े हुए हैं। सोमनाथ, जबलपुर में जनता का बजट को लेकर क्या कहना है बताइए। जी, जबलपुर की बात की जाए तो जबलपुर में जो बजट में पेश हुआ है, आम जनता से बात की गई तो कुछ बजट में जो टैक्स में राहत मिली है उसके लिए तो उन्होंने बताया टैक्स नहीं बढ़ाया, काफी अच्छा है। लेकिन कुछ महिलाओं से बात की गई थी तो उनका कहना है कि बहनाओं को 3000 रुपए देने की घोषणा की गई थी, कुछ पेश लेकर महिलाओं में थोड़ा सा है और महंगाई को लेकर महिलाओं में काफी इस चीज को लेकर हमारे साथ कुछ व्यापारी एनर्जी को स्टार्टअप के लिए कोई व्यवस्था नहीं की और नए जो युवा उद्यमी आ रहे हैं इंडस्ट्री में डाल रहे हैं उनके प्रोत्साहन के लिए इस बजट में कोई व्यवस्था नहीं की। बजट कुल मिला के स्वागत योग्य तो है पर महंगाई को भी कंट्रोल करना चाहिए, इस पर भी शासन को विचार करना था। महंगाई चरम स्तर पर दाल 180 रुपए किलो चल रही है और पेट्रोल डीजल के भाव जो देखी जाए क्या है, इस पर भी इनको कंट्रोल करना था। हर चीज महंगी जो रोज कीमत सुने हैं, टमाटर 80 रुपए, प्याज 50 रुपए किलो, ग्रीन वेजिटेबल जितनी भी है 100 रुपए से कम नहीं है, इस पर भी शासन को ध्यान देना था। बाकी स्वास्थ्य शिक्षा और हेल्थ पर जोर है, प्रति क्षेत्र को भी इन्होंने काफी राहत दी है। तो कुल मिला के बजट में जो इन्होंने टैक्स नहीं बढ़ाया है वो तो ठीक है पर महंगाई पर भी ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, महंगाई पर नियंत्रण को लेकर सर अपनी बात रख रहे थे और जाहिर सी बात है कि महंगाई कम होने की बात इसलिए भी कही जा रही है कि आम जनमानस का बजट नहीं बढ़ पा रहा है, उनकी इनकम इंक्रीज नहीं हो पा रही है और लगातार महंगाई की मार उन पर पड़ रही है और लगातार जो चीज़ें महंगी हो रही हैं उसको लेकर भी आम जनता परेशान है। ओम हमारे साथ शुजालपुर से बने हुए हैं। ओम, आपके क्षेत्र में क्या कुछ लोगों का कहना है बजट को लेकर, जो चीज़ें सामने आ चुकी हैं जिसमें तमाम चीज़ें हैं, उज्ज्वला योजना, किसानों की बात कही जा रही है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी कई लोगों का मानना है कि महंगाई पर जोर नहीं दिया गया है।
जी बताना चाहूंगा कि जो टैक्स नया बजट आया है, मोदी सरकार का नया बजट आज पेश हुआ है, टैक्स नहीं बढ़ा है, ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन कई आप जैसा अपन चैनल के माध्यम से बता रहे हैं, जनता देख रही है, जनता के जवाब भी आ रहे हैं कि जो फ्री फंड में जो योजनाएं चल रही है, रेवड़ी बांटने की बात की रही है, वही जनता यहाँ भी जवाब दे रही है कि जो सरकार फ्री फंड की योजनाएं चला रहे हैं उनको बंद करके आम जनता पर जो लोड पड़ रहा है उनको, बेरोजगारों को रोजगार देने की नई स्कीम लाना चाहिए, नए रोजगार देने की बात करनी चाहिए। यहाँ सुजालपुर में हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात ठीक है ना, आपको बैठ कोई दिक्कत है, मैं अटेंड कर हम आपकी वॉइस हम तक नहीं पहुंच रही है, मैं लौटूंगी आपके पास। चलिए मैं लौट रही हूँ आपके पास। हमारे साथ और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंदौर से योगेश हैं, सोमनाथ जबलपुर से हैं, भोपाल से कपिल जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ ओम भी जुड़े हुए हैं शुजालपुर से। कपिल के पास लिए चलते हैं, भोपाल एक बार फिर से। कपिल, कई सारी बातें निकल कर सामने आ रही हैं, जिसमें ये भी कहा गया कि किसान का ये कहना है कि उनको जो मजदूर हैं वो नहीं मिल रहे हैं, तो वो अपने अपने काम कैसे करेंगे क्योंकि उन्हें फ्रीबीज योजनाओं का फ़ायदा मिल रहा है। दूसरी ओर महंगाई पर भी लोगों का जोर है और बेरोजगारी पर भी अपनी बात लोग रखते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक तरफ जो बहुत ही बड़ी योजना जिसने मध्य प्रदेश में और तमाम राज्यों में एक बड़ी स्ट्रैटेजी तय की, खासतौर पर हम लाडली बहना योजना की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में मास्टर स्ट्रोक साबित हुई, ना केवल वो विधानसभा चुनाव में बल्कि लोकसभा चुनाव में, उसके लिए भी बंद होने की बात नहीं की जा रही क्योंकि पॉलिटिक्स उस पर भी हो रही थी। तो वो जो महिलाएं महिला जो है फायदा ले रहे हैं, उनको कंटिन्यू उसका फायदा मिलेगा। बिल्कुल पारुल जी, हमारे साथ जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू मार्केट में हम मौजूद हैं, तमाम जो भोपाल के रहवासी है वो मौजूद हमारे साथ, और स्पेशली बात किया है तो हमारे साथ थर्ड जेंडर कम्युनिटी को बिलोंग करने वाले एक मेंबर भी हमारे साथ हैं। मैडम, कैसे देखते हैं बजट को मोहन सरकार? मोहन सरकार का बजट बोलते ना वही धन्यो भगवान, अच्छा बजट दिया, इतनी महंगाई बढ़ा दी गरीब आदमियों के लिए, गोल्ड क्या रेट जा रहा है अभी के गरीब आदमी गरीब बच्चों की शादियां कैसे करेगा, अरे इतनी महंगाई बढ़ाओ जितनी आदमी झेल सके, इतनी मत बढ़ाओ कि आत्महत्या करनी पड़ सके। आप किस देखते हैं बजट को? सर बजट का तो ऐसा है कि जो सस की नौकरी वाले हैं उनका सातवां वेतनमान आठवां वेतनमान लागू होता रहता है, सरकार अपने स्तर पर बजट बढ़ाती रहती है, जो प्राइवेट सेक्टर में उसकी सैलरी बजट के हिसाब से बढ़नी चाहिए तो बजट काम का, नहीं तो किस काम का भाई। आप हमारी सैलरी में आप जिस हिसाब से बजट में ग्रोथ कर रहे हो उस हिसाब से प्राइवेट सेक्टर में या मजदूरों को लेबर एक्ट के द्वारा जो डेली उनकी रोजगार रहता है एक दिन का वेतनमान, उसमें भी उस हिसाब से बढ़ोतरी होनी चाहिए। प्राइवेट कंपनियों में जो वेतनमान लागू हो रहा है उसमें भी उस हिसाब से बढ़ोतरी होनी चाहिए तो बजट ठीक रहता है। अब कागजी कार्रवाई करके आप बजट, जैसे प्राइवेट स्कूल के लिए या स्कूल के लिए जो बजट बनाया है तो किताबें तो उसी रेट में मिल रही है, आपने बजट बढ़ाया तो उसका लाभ आम पब्लिक को कहाँ मिल रहा है भाई? आप किताबों में डिस्काउंट दे रहे हो, किताब आपने स्कूल के लिए बजट बढ़ाया तो प्राइवेट स्कूल में जो किताबें आ रही है एनसीईआरटी को छोड़ के उसमें आप 10% 20% के डिस्काउंट पे स्कूल को दे रहे हो क्या, या कस्टमर को दे रहे हो, उपभोक्ता को? जैसे मैं मेरी बच्ची को किसी स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी की एक बुक आती है 100-125 रुपए की, प्राइवेट सेक्टर की आ रही 550 होगी, बट उसके पेज एनसीईआरटी की बुक से कम पन्ने रहते हैं, उसके बावजूद भी वो महंगी है। तो आप जो बजट बढ़ा रहे हो, आप जो बजट बढ़ा रहे हो उस बुक में डिस्काउंट दिलवाना चाहिए सरकार को। आप कैसे देखते हैं बजट? अरे बजट के आधार पे क्या है कि जैसे सातवां वेतन आयोग दिया सरकार ने 2016 एक जनवरी से, अब पेंशनरों के लिए उसने शासन का जो भी है अप्रैल 2018 से, तो ये दोराहे वाली बातें क्यों? पेंशनरों को भी उसी नज़र से देख के और उनका भी 2016 से ही दिया जाए, जो पेंडिंग का एरियर है उसका भुगतान करें। और हमेशा समय पे जब भी डीए वगैरह का होता है तो कर्मचारियों को मिलता है, पेंशनर अपेक्षा में रहते हैं हमेशा, तो ये गलत है। पेंशनर हमेशा निर्धारण के लिए भटकता रहता है, उनके काम नहीं हो पाते, क्योंकि हमें बोलना पड़ रहा, पिताजी हमारे हैं तो मैं गुजार रहा हूँ उन चीज़ों से। आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं लोगों में बजट को लेकर नाराजगी भी है तो कई लोग उसको लेकर खुशी भी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। बाहर देख रहा होगा कि आम आदमी का बजट कैसा होगा,
ये आने वाले समय इसके रुझान से पता चले। चलिए हमारे साथ ग्वालियर से अजय जुड़े हुए हैं। ग्वालियर की जनता का क्या सोचना है बजट को लेकर अजय? देखिए पारुल जी, मैं आपको बता दूं कि मोदी सरकार का पहला बजट आज पारित हुआ है, लेकिन ग्वालियर की जनता यही चाहती है कि महंगाई कम हो और नए रोजगार को बढ़ावा दे। अब आइए आप हम जानते हैं कि जनता ग्वालियर की जनता का क्या रुख है। मोदी सरकार का पहला बजट आज प्रस्तुत हुआ है, उसके बारे में आपको क्या कहना है और क्या इच्छाएं हैं आपको, क्या देखते हैं आप? मैंने भी सुना है 3,65,00,000 रुपए का बजट पेश किया है। पहला जो बजट पेश किया था 16% ज्यादा में किया था, और जो उसने मैनुफैक्चर में जो लागू किया है मैनुफैक्चर को ध्यान में रखते हुए बजट मनमान का पेश किया है। लाड़ी बैठना योजना में पैसा देंगे गरीबों को 4,500 रुपए, मैं तो कहता हूँ आम पब्लिक को 4,500 रुपए देना चाहिए। लाड़ी बहना योजना का गरीब क्वेश्चन होना चाहिए, नए रेस्टोरेंट होना चाहिए, वास्तविक गरीब हो उनको लाड़ी बहना योजना मिलने कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और जो बजट जो आया है उससे आप लोगों को लगता है कि आपको उससे फायदा होगा? ये बजट सब हवा आए हैं, सब ये बजट तो क्या जनता के साथ बात बात है, बजट आम जनता को तो कुछ खाता नहीं। 3,00,00,000 का बजट जो आया है 16% पहले ज्यादा है, पहले अभी इससे पहले कौन सा ज्यादा फायदा हुआ है आम जनता को? सही आप पेट्रोल पटी कम होगी, रोड चालक सस्ता है, पहले उन्होंने कहा कि नल का उसको पानी देंगे, पुराने नल पर पानी आने का अभी नलों में। देखिए जनता का रूप हमने जाना है तो वो ये कह उनका ये साफ तौर पर कहना है कि जो बजट पारित हुआ उससे जनता को कोई लाभ मिल ही नहीं रहा। बहुत शुक्रिया अजय जानकारी के लिए, तमाम सहयोगियों का शुक्रिया। उनके क्षेत्र से उन्होंने जनता से बात करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की कि इस बजट को वो कैसे देखते हैं। देखिए कई सारी चीज़ें हैं जिसमें इस बजट में बढ़ोतरी की बात की जाती है, कही जा रही है, फायदे का बजट इससे बताया जा रहा है। देखिए 7500 भर्तियाँ पुलिस विभाग में करने की बात की जा रही है, और इसी के साथ लाडली बहना योजना की बात की जाए उसको भी कंटिन्यू रखने के लिए बजट में प्रावधान है। कई सारी ऐसी चीज़ें जिसको लेकर ये माना जा रहा है कि ये बजट घाटे का नहीं फायदे का बजट है, और आने वाले समय में इस बजट से आम जनता को फायदा मिलेगा। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनके जहन में अभी भी नाराजगी है, जो बेरोजगारी को लेकर, जो रोजगार को लेकर नाराज है, कुछ लोगों का महंगाई को लेकर अपना आंकलन है, पेंशन को लेकर लोगों का कहना है, और कई लोगों का ये भी मानना है कि प्राइवेट सेक्टर में आय में बढ़ोतरी नहीं हुई है तो वो महंगाई के साथ कैसे मैनेज करे, इसको लेकर भी उनकी नाराजगी सामने आई। इसी के साथ हमारे इस विशेष पेशकश में इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।